गुड मॉर्निंग गाइस। तो अगली सुबह हो गई है और जहाँ हम रुके थे वही होटल था। यहाँ हम रुके थे, प्राइस के हिसाब से बहुत सही होटल था। मतलब रूम का जो हमने किराया दिया था वो 1200 रुपये था, उस हिसाब से बहुत अच्छा था। ये इतना सा है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ये वॉशरूम था, तो आप यहाँ हो तो इसमें रह सकते हो। अभी बता दूंगा मैं कहाँ पे है। नंबर्स वगैरह लगे हैं यहाँ पे रूम सर्विस के लिए, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये लोकेशन थी, पूरा व्यू है यहाँ से। अरे यहाँ पे होटल था, ये होटल का नाम है। यहाँ पे अंदर इस सीढ़ियों में जाके और इसके सामने ये व्यू है। आलस आ रहा विनय सो के। हेलो गाइस, आज का दिन हमारा शुरू हुआ है अब, जो कि 9:05 हो रहे हैं। आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना जितना टाइम हमारे पास बच रहा है। फिर पार्किंग से गाड़ी उठानी है, जो कि हमारा पार्किंग इस तरफ है। यहाँ से सीधा जाना है अपने को पार्किंग के लिए। रोड की चढ़ाई करनी है, बहुत ऊपर जाना है, एकदम ऊपर नहीं बट थोड़ा बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से अगर दिखता तो हम दिखाएंगे जरूर। कुछ नहीं नाम है, बट हमें चाय और पराठा मिल गया। ना पराठे अंकल जी ना चाय बना रहे हैं। ये चाय सुबह की शुरुआत चाय के साथ आगे मिलेंगे। और भाई अगर शिमला आओ तो रात को 10 बजे से पहले खाना खा लेना, वरना हमारी तरह ट्रॉपिक आना पी पी के पूरी रात निकालनी पड़ेगी। पूरी रात इसके सारे कटी है हमारी। अब ये फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं। तो ये मॉल रोड से आता है जो रास्ता, वो और ये वाला सीधा हनुमान मंदिर जाता है, जो कि लोग शिमला आने के बाद हनुमान मंदिर बहुत कम जाते हैं। 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा करने की कोशिश करेंगे जितना होगा। जितना क्या, पूरा ही करेंगे कोशिश है। 7-8 किलोमीटर ऐसे रास्ते हैं और चढ़ाई होती जाएगी, और जितने ऊपर जाएंगे और पहाड़ ऊपर होता चला जाएगा और रास्ता उठता चला जाएगा। तो ऐसा रास्ता पूरा खड़ा। ठंड बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी। जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डाउन होगा। तो गाइस चलते चलते वो देखे तो सोचे आपके साथ भी शेयर करें। देखो आप नीचे हाईवे जाता है, जो कि दिखेगा नहीं पेड़ों के वजह से, बहुत नीचे है, बहुत ऊपर आ गए। टेम्परेचर में भी काफ़ी बदलाव और पूरा हिमाचल छाया है। हम जा रहे हैं ऊपर अभी हनुमान मंदिर की तरफ, और ये पूरा गांव हिमाचल और शिमला का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे चल, कुछ इस प्रकार के रास्ते आपके सामने आएंगे हनुमान मंदिर जाते हुए। तो एक ही सजेशन है गाइस, शाम से पहले ट्रैवल करना अगर आप जा भी रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ जंगल है, जंगली जानवर भी है कई सारे। तो
शाम होने से पहले लौट आना, सजेशन यही रहेगा मेरा। बाकी आप देख ही रहे हो बहुत अच्छा व्यू है। तो ये व्यू दिखा गाइस हमें, पूरा शिमला देख सकते हो आप यहाँ से, जो कि उस पहाड़ के पीछे हल्का सा छुपा हुआ है। पूरा वैली, पूरा शिमला वैली, यहाँ आओ तो बस दिमाग से सब कुछ छोड़ दो, जो भी चिंताएं हैं सब कुछ छोड़ दो, एंजॉय करो इन वादियों की, इस समय का बार बार नहीं आएगा इस ज़िंदगी में। चलो आगे, वो रोड देख रहे हो आप लोग, वो वहाँ से आए हम, और अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा। पहले यहाँ जाएंगे, पहले 2 किलोमीटर की चढ़ाई और है मंदिर की, वो करके फिर वहाँ इतनी नीचे, मतलब आए हैं हम पैदल, और बात करते करते हमें पता भी नहीं चला हम कितनी देर में कहाँ पहुँच गए। रास्ता थोड़ा छोटा है, लोग आ रहे हैं, फाइनली पूरा शिमला, और ये वो रहा हाईवे दिल्ली से शिमला। बहुत ही प्यारा व्यू है, लिटरली बहुत प्यारा व्यू, मतलब कुछ नहीं इसके आगे। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा हनुमान मंदिर है। अब इतनी सीढ़ियाँ, इतनी 10.25 किलोमीटर की पैदल की यात्रा करके आए हैं, अब भी सीढ़ियाँ बची हैं। ये है इनकी हालत देखो, बहुत बुरा हाल हो रखा है, यहाँ तक आने के बाद अगर ऊपर तक नहीं गए तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो ऊपर दिखाते हैं ऊपर क्या है, अगर शूट करने दिया तो अंदर का भी दिखाएंगे आपको, बाकी आप यहाँ हो तो जरूर आना। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंभ निवार सुंदरी किंचन वरन विराज सुबे से कुंचित केश हाथ गर्ज ओधर्ज विराजे कांधे मुंज जने ओ साजे शंकर सुवन तेज श्री नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन राम काज करी भेको आतुर प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असु सहारे रामचंद्र के कांच सवारे हर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। यहाँ से ये व्यू, Thank you.
सामने से। यह हनुमान जी की मूर्ति जो कल रात को आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रही होगी, आज इसके पास आ गए हम। और ये बजरंगबली हमारे बैठे हैं। जब हम नीचे उतर रहे हैं, ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम चढ़े थे, उससे बहुत ही खतरनाक। देखो मतलब सीधा खड़ा खड़ी डलान है, टाइम कम लगता है इसमें। 1.5 किलोमीटर का है ये रास्ता, बट ये थका बहुत ज़्यादा देता है। हम जिस रूट से आए थे वहाँ पे नज़ारे थे, यहाँ नज़ारे नहीं है, यहाँ व्यू नहीं है। ये सिर्फ पैदल जाने वाले लोगों के लिए है, जल्दी पहुंचाती है पर थका भी उतना ही देती है, थका भी देगी। अभी 2-3 लोग मिले थे, वो कह रहे 1.5 किलोमीटर का रास्ता, 25 मिनट लगे उन्हें चढ़ने में, पर 25 मिनट को इनकी 25 मिनट में उनको पता चल गया कि 25 मिनट उनकी ज़िंदगी के आखिरी हो सकते थे वो। अभी नहीं पर, मतलब ऑलमोस्ट उनकी उनके फेफड़े मुंह तक आ गए थे। हनुमान दिख गया था उन्हें आते आते, वो कह रहे आंख बंद कर रहे हैं ना तो हनुमान सामने आ रहा है। तो हम समझ गए कि ये कितना खतरनाक रास्ता है। अब देखो ना सीधे, देखो बिल्कुल सीधा नीचे जा रहा है ये, मैंने कभी ऐसे सोच ही नहीं रखी। और ये सीधा माल रोड कनेक्ट करता है सीधा, इसके बाद सीधा गाड़ी का व्यू। इस रास्ता खत्म होते ही दोबारा मिलेंगे, देखते हैं ये कहाँ कनेक्ट करता है, उस हिसाब से फिर वहाँ देखेंगे, माल रोड में मिलेंगे फिर। बाय बाय। रास्ता हमारे साथ खेल रहा, अभी इतना गंदा रास्ता था, अब इतना प्यारा रास्ता आ गया। देखो फिर से व्यू दिख गया, अब फिर से व्यू, मतलब लिटरली व्यू। शिमला देखना तो यहाँ आ जाओ, पूरा शिमला दिख जाएगा तुम यहाँ से, जो देखना चाहते हो शिमला में, पूरा शिमला है। ये रास्ता माल रोड की तरफ, बाकी देखते हैं कहाँ तक लेके जाएगा हमें। सो गाइस चलते चलते इस रास्ते पे पहुंचे जो यहाँ से आ रही है, और फिर हमें ये देखा, और सही में जन्नत, जन्नत जिसे कहते हैं ना, मतलब जो अब तक देखा है पहाड़ों में। और हम माल रोड जाके दिखाएंगे हम कितने ऊपर से नीचे आए हैं। मजा आ गया, मंदिर जाओ, हमारी तो सारी थकान दूर हो गई, हमें तो पता भी नहीं चल रहा। अब यहाँ से उतर रहे हैं, तो गाइस कल हम नहीं बता पाए थे क्योंकि कल रात हो रखी थी, तो इतना कुछ चहल पहल नहीं थी। बट अभी के टाइम देखो, ये होता है मॉल रोड का हाल दिन के टाइम पे। और अभी हम, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम कहां से आए हैं, तो वो है बहुत ऊपर, एक मिनट रुको, वो देख पा रहे हैं आप हनुमान जी, उनके पास थे हम, और वहाँ से हम अभी यहाँ हैं। तो देखो कितनी दूर है, और हमें जाने में लगा 1.5 घंटा, आने में लगा 15 से 20 मिनट। और ये हालत होती है इतनी, थकान हो गई, बट इट्स टोटली फाइन, मज़ा आया, लिटरली मज़ा आया। तो शिमला को बाय बोलने का टाइम आ गया, अब हम निकल दिया अपने
लाल भालू पे, फिर मिलेंगे नए मुकाम पे। अभी जितनी दूर है लगभग 110-120 किलोमीटर पे चंडीगढ़, जहाँ हम रुकेंगे, फिर जाएंगे दिल्ली, उसके बाद देखते हैं। तो शिमला का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, एंड कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये अच्छा था या बुरा था, कमेंट करना ना भूलना प्लीज़। थैंक यू गाइस। ये होता है शिमला में दिन के टाइम पे, मतलब बहुत पीछे से देख रहे हैं हम, इतना लंबा जाम लगा हुआ है शिमला में जाने के लिए अंदर, इतना गंदा जाम, और अभी भी पीछे लगे ही जा रहा है। ये देखो आए जा रहे हैं, यहाँ तक ये समझ लो जाम ही है। तो आप जब भी आए तो ऐसी ऐसे टाइम पे निकले कि आप शाम तक शिमला पहुँचे, शाम तक ये ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, क्योंकि कल हम जिस टाइम यहाँ आए थे हमें कुछ जाम नहीं मिला यहाँ पे, कुछ भी 1% भी जाम नहीं मिला, और इन्हें अभी शिमला अंदर घुसने में 1 घंटा लग जाएगा करीबन ज़्यादा लग जाएगा, 1 से भी ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है वैसे शिमला का, पूरा माल रोड तक का अगर देखा जाए तो, पर इन्हें 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। बहुत लंबा जाम है, और ये शिमला, शिमले की वादियाँ, तो फाइनली दोस्तों घर पहुंच गए हैं हम। पता अभी कहाँ से आए हैं, वो सामने पहाड़ देख रहे हो आप, उसके पीछे से आए हैं, और आते आते हमारी हालत ऐसी हो गई, वहाँ इतनी ठंड लग रही थी, यहाँ ही पसीना आना स्टार्ट हो गया बहुत गंदे वाला। ये देखो इनकी हालत बहुत ख़राब है, पसीना टपक रहा है, क्योंकि हम आए हैं 10-12 डिग्री से और यहाँ आके 45 है, तो हालत बहुत ख़राब है। अब सीधा रेस्ट चाहिए, इस वीडियो को डालेंगे बहुत जल्दी, मे बी एक आज रात या कल सुबह तक आ जाएगी, तो तब तक के लिए सी या, मिलते हैं फिर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक बेल आइकन जरूर दबाना है, और कमेंट जरूर करना, बताना कैसा क्या लगा तुम्हें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और शेयर भी करना, शेयर जरूर करना, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारे काम का रेक्टिफाई होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रिलेशनशिप में कुछ भी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताना, और अगली ट्रिप हमें कहाँ करनी चाहिए उसके बारे में बताना। तो थैंक यू गाइस, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड, बोथ ऑफ अस, थैंक्स, बाय।